फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन क्रेविंग्स। नवरात्रि स्पेशल सीरीज में आज हम बनाने वाले हैं व्रत स्पेशल, नवरात्रि स्पेशल, आलू मखाने की स्पेशल सब्जी, दही मखाना आलू। तो चलिए बनाते हैं इतनी टेस्टी यमी हमारी सब्जी। लेट्स बिगिन। नवरात्रि स्पेशल या व्रत स्पेशल आलू मखाने की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आलू बॉईल करके, छील करके, उसको पीसेस में कट करके रखा हुआ है। यहाँ मैंने 10 से 15 मखाने लिए हैं, एक चम्मच मावा लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं, या घर में दूध से भी आप गाढ़ा करके मावा बना सकते हैं। 10 से 15 काजू मैंने रोस्ट करके मिक्सी में चला लिया है, ग्राइंड कर लिया है। हरी मिर्ची हम इसमें यूज करेंगे, काली मिर्ची, सेंधा नमक, 1/4 कप दही और मलाई 2 चम्मच, ये घर में जो दूध में मलाई निकलती है वही मैं यूज करूंगी। जीरा ऑप्शनल है, अगर आप व्रत में खाते हैं जीरा तो आप यूज करें, अदरवाइज बिना जीरा के भी आपकी सब्जी काफी टेस्टी बनेगी। हरा धनिया हमने बारीकी से काटा हुआ है और आज सब्जी हम घी में बनाएंगे, क्योंकि व्रत में कई लोग घी ही खाते हैं, तेल नहीं खाते हैं। तो चलिए बनाते हैं सब्जी हमारी आलू मखाना स्पेशल। पैन में मैंने 1 चम्मच घी रख दिया है गरम होने, इसको मेल्ट हो जाने देते हैं। घी हमारा मेल्ट होने लगा है, मैं इसमें जीरा डाल दे रही हूँ। अगर आप व्रत में खड़े मसाले भी खाते हैं, लौंग, तेज पत्ता, सिनेमन, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैं बारीक कटी हरी मिर्ची डाल रही हूँ, हरी मिर्ची आप अपने स्पाइस टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इसमें मैं मिला रही हूँ दही, इसको कंटिन्यूसली स्टर करते जाइए, दही कर्डल हो जाता है नहीं तो फट जाता है। दही में हम मिलाएंगे काजू का पेस्ट पाउडर जो हमने कर रखा है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। काजू हमने पहले थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद हमने मिक्सी में पीस लिया है उसे। इसी तरह से मखाने भी हमने ड्राई रोस्ट करके लिए हैं। अब इसमें मैं मिलाऊंगी मलाई, 2 चम्मच मलाई मिला रही हूँ मैं। 1/2 चम्मच इसमें हम मावा मिला रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मावा ऑप्शनल है, एकदम मैं डाल रही हूँ, आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें मैं मिला रही हूँ आलू और मखाने। मखाने हमने ड्राई रोस्ट किए हुए हैं, थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं मिला रही हूँ 1/2 कप पानी और इसे बॉईल हो जाने देते हैं। इसमें हम मिलाएंगे नमक स्वादानुसार, सेंधा नमक मैं मिला रही हूँ, काली मिर्ची मिलाएंगे, हम हरी मिर्ची भी इस्तेमाल किए हैं इसलिए 1/4 चम्मच से कम मैं काली मिर्ची डाल रही हूँ। अब इसे ढककर हम 1 मिनट तक कुक होने देते हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी लग रही है, पर मिक्स करके आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पानी मैं थोड़ा थिक ही रखूंगी। इसमें अब हम मिला लेते हैं हरा धनिया बारीकी से काटा हुआ, फ्लेम हम ऑफ कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गई है हमारी फराली नवरात्र स्पेशल, व्रत स्पेशल, आलू मखाने की स्पेशल सब्जी। काफी फिलिंग सब्जी है ये, इसे पूरी पराठे के साथ आप खा सकते हैं जो व्रत में बनती है। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुक विद द बेस्ट।